नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। रिपोर्ट: धर्मेंद्र सिंह कन्नौज में उपभोक्ता फोरम के लिए जमीन पर कब्जा करके गई प्रशासनिक टीम से स्थानीय लोग भिड़ गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह कब्रिस्तान की जमीन है जिसे प्रशासन ग्राम समाज की बता रहा है। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पुलिस फोर्स बुला ली गई। हंगामा देख जमीन पर कब्जे की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया गया। पुलिस का कहना है कि कागजों की जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वीओ कन्नौज सदर तहसील के बांगर गांव में उपभोक्ता फोरम कोर्ट के लिए प्रशासन ने जगह चिन्हित की है। आज चिन्हित जगह पर तहसीलदार जेसीबी मशीनें लेकर पहुंच गए। वह जेसीबी से पेड़ कटवाकर जमीन समतल कर रहे थे, तभी मुस्लिम वर्ग की भीड़ कब्रिस्तान के कागजात लेकर वहां पहुंच गई और काम बंद करवा हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जिस जगह पर प्रशासन कब्जा करना चाहता है वहां आजादी से भी पहले का मुस्लिम कब्रिस्तान है। हंगामा बढ़ता देख तहसीलदार ने पुलिस फोर्स बुलवा ली। पुलिस ने मुस्लिम पक्ष की दलील सुन काम रुकवा दिया। इंस्पेक्टर का कहना है कि पूरे मामले में कागजों और जमीन का फिर से मिलान कराया जाएगा, उसके बाद आगे कोई कार्यवाही होगी। बाइट मोहम्मद मुबीन, मुस्लिम नेता, बाइट इंस्पेक्टर कन्नौज कोतवाली। आप लोग दिखाएंगे दो तीन दिन में, उसी के आधार पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो आपके पेपर जमीन आती है, कब्रिस्तान आ जाए, तो किसी की भावनाओं से खेलने का ना किसी का कोई उद्देश्य है और ना ही किसी ऐसी जमीन पे कोई डिस्टर्बेंस किया जाएगा। अब आप लोग जांच कर लीजिए, डिसाइड हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। क्या क्या मामला, पूरा क्या मामला है? पूरा मामला यह है कि कब्रिस्तान है, बरसा बरस से सैकड़ों बरस से यह कब्रिस्तान है और इन लोगों की गलत नियति है यहाँ ऊपर की, जो बार बार कब्जे लिया जाते हैं। बस किसके द्वारा है? जेबीसी चली है? जेबीसी चली है एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा। आप लोगों ने क्या विरोध किया इसका? क्यों नहीं विरोध किया? सारे लोग, बहुत सारे पूरे शहर ने विरोध किया। हमारा शहर विरोध कर रहा है, शहर का पूरा शहर। जमीन के क्या सापेक्ष थे आपके पास? सापेक्ष क्या है जमीन के आपके पास? नंबरान लिखे हुए हैं, कागजात हैं, कोर्ट के आर्डर पे नंबरान लिखे हुए हैं। तो आपकी जमीन है? मतलब नहीं, हमारी जमीन नहीं है, ये अल्लाह की जमीन है। इसका जो मुतवल्ली होता है वो सिर्फ देख रेख करने वाला होता है, उसका उसमें उसका कुछ नहीं होता। तहसीलदार ने क्या आश्वासन दिया? अभी कल मुलाकात करी, कल से बात करिए, कल देखेगा। बस क्या मामला पूरा? ये कन्नौज बागर ग्राम में गाटा संख्या 299 है, गांव सभा का बंजर है, तो इसी को खाली कराया जा रहा है, सीमांकन कराया जा रहा है। उपभोक्ता फोरम के लिए जमीन देना है, बिल्डिंग बनना है, इसी का चिन्हांकन कराया जा रहा है। सर क्या अवैध कब्जा था क्या जमीन? कुछ अवैध लोग निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे, उसे हटवा दिया गया है। कितने लोग के साथ क्या कर रहे हैं? मकान बनाने का प्रयास दो लोगों ने किया था, इस मौके पे मिले नहीं, लेकिन हटा दिया गया जो निर्माण था। जैसे भी आज कितनी मशीनें लगाएंगे सर? दो जेसीबी मशीनें लगी हैं। कहाँ पर सर कार्रवाई की गई? ये कन्नौज बांगर में गाटा संख्या 299 है, ये बंजर नंबर समाज। सर किसी के तरीके का कोई विरोध हुआ है? नहीं, कोई विरोध नहीं, किसी प्रकार का विरोध किसी के द्वारा नहीं किया गया।